सीकर शहर में शनिवार को सीवरेज के गड्ढे में गिरने से मैट्रिक्स कोचिंग के छात्र युवराज मीणा की मौत के मामले में आज सीकर पूरी तरह बंद रहा। इस दौरान भाजपा, माकपा, आरएलपी, वीर तेजा सेना, एबीवीपी व भीम सेना सहित विभिन्न संगठनों के लोगों ने एसके अस्पताल की मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन किया। कल्याण सर्किल पर टायर जलाने के साथ नवलगढ़ रोड पुलिया व एसके अस्पताल के सामने जाम भी लगाया। इस बीच प्रशासन व प्रदर्शनकारियों के बीच वार्ता का दौर भी जारी रहा। तीन दौर की वार्ता के बाद आखिरकार प्रशासन ने मृतक के परिजनों को 35 लाख रुपए मुआवजा देने के साथ नगर परिषद सभापति जीवन खां, आयुक्त शशिकांत के अलावा मैट्रिक्स कोचिंग संचालक मंडल व एक्सीएन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने पर सहमति जताई। एक्सीएन रविंद्र जैन के निलंबन के साथ नवलगढ़ रोड पर पानी भराव सहित अन्य समस्याओं की देखरेख के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय टीम गठित करने का भी फैसला हुआ। इसके बाद प्रदर्शनकारी मृतक का शव उठाने पर सहमत हुए। इससे पहले छात्र की मौत के मामले में आक्रोशित विभिन्न संगठनों ने आज शहर में रैली निकाली। नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष अशोक चौधरी व भाजपा नेता अर्जुन तिवारी की अगुवाई में सभापति के आवास का भी घेराव किया था। सीकर के लोसल थाना इलाके के मंगरासी गांव में आज एक अनियंत्रित बोलेरो खाई में गिरकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में अजमेर निवासी दो दोस्तों की मौत हो गई जबकि चार दोस्त घायल हो गए। सभी दोस्त रविवार को खाटू श्याम जी व जीन माता जी के दर्शन के लिए आए थे। दर्शन कर वापस लौटते समय वे हादसे का शिकार हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की सहायता से लोसल CHC लाने पर चिकित्सकों ने 30 वर्षीय कैलाश नागर पुत्र हरिराम नागर व 35 वर्षीय राम स्वरूप पुत्र राम निवास जांगीर को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर घायल जय सिंह, प्रवीण, गोपाल व गोविंद को गंभीर घायल होने पर सीकर रेफर कर दिया गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। सीकर जिले में बारिश का दौर शनिवार रात भर के बाद रविवार को भी जारी रहा। आज शाम को सीकर शहर सहित कई इलाकों में हल्की बारिश हुई, जबकि इससे पहले रात भर को जिले भर में हल्की से भारी बारिश दर्ज हुई, जिसमें सबसे ज्यादा 84 mm बारिश पलसाना में हुई। इसके बाद लोसल में 70, खंडेला में 7, शिवादोपुर में 57, रामगढ़ शेखावाटी में 55, धोद में 54, लक्ष्मणगढ़ में 49, दातारामगढ़ में 39, सीकर ग्रामीण में 21, तिंगस में 20, सीकर शहर में 17, नेछवा में 15, फतेहपुर में 12, अजीतगढ़ में 9, नीमका थाना में 2 तथा पाटन में 1 mm बरसात दर्ज हुई। इस बीच मौसम विभाग ने सोमवार को भी जिले में हल्की बारिश की संभावना जताई है। अजीतगढ़ के सावलपुरा तवरान की ढाणी लोहिया में नायब सूबेदार शहीद रामपाल गुर्जर की मूर्ति का अनावरण आज हुआ। कलाकोटा के संत बलदेव दास महाराज के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य बालेदू सिंह शेखावत रहे। अध्यक्षता राजस्थान सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के पूर्व अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोड़ ने की। इस दौरान वक्ताओं ने शहीद को देवताओं के समान बताकर उनकी पूजा करने की बात कही। जैन सोशल ग्रुप सीकर एवं डंट डायबिटीज केयर जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में आज जैन भवन परिसर में निशुल्क स्वास्थ्य एवं मधुमेह जांच व जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ। अध्यक्ष मनोज बाकलीवाल व मंत्री अंकुर छाबड़ा ने बताया कि शिविर में कुल 325 मरीज लाभान्वित हुए।